नमस्कार। भारतेंदु जी ने कहा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। वेब वार्ता का आज का विषय है हिंदी और हिंदुस्तान। आप सबका स्वागत है। क्या तकनीक ने हिंदी को आगे बढ़ाया है? तकनीक ने बहुत हद तक कोशिश की है। आप देखिए कि वेब दुनिया के माध्यम से विश्व का जब पहला हिंदी पोर्टल आया, तब हमने यही सोचने की कोशिश की थी कि जब इंटरनेट है उस वो जो सूचना का महापथ कहा जा रहा है, उसको सूचना की क्रांति कहा जा रहा है, तो इस सूचना की क्रांति में अगर हम वो 12% लोग अलग निकाल दें जो कि अंग्रेजी जानते हैं, उन 12% का भी आंकड़ा 14% हुआ जरूर है, लेकिन पूर्णतः अंग्रेजी जानने वाले केवल 2011 की जनसंख्या की जनसांख्यिकी गणना के हिसाब से भी केवल 2% लोग हैं। 2-3% लोग ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते। बचे हुए जो 14% लोग अंग्रेजी जानने वाले वर्ग में शामिल किए जाते हैं, वो अंग्रेजी को दूसरी भाषा मतलब बेहतर भाषा के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी मातृभाषा कुछ और है। पर इन 14% लोगों के अलावा वो 86% लोग जो हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, मराठी बोलते हैं, वो लोग इस सूचना के महापथ से, इंटरनेट की इस क्रांति से कैसे जुड़ेंगे? और इस सोच के साथ वेब दुनिया शुरू हुआ। और निश्चित तौर पर हमने हिंदी को, हिंदी भाषा के ज्ञान को और हिंदी भाषा के साहित्य को भी इंटरनेट पर संजोने की कोशिश की। उसका प्रतिसाद हमें बहुत अच्छा मिला है। इसी तरह की कोशिशें बहुत सारे और लोगों ने भी की। आप देखिए कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, ओरेकल हो, याहू हो, इन्होंने अपने तमाम सॉफ्टवेयर की जानकारी को, उसकी मदद को भी हिंदी में बहुत बड़े पैमाने पर अनुवाद किया है, जिसके लिए में भी वेब दुनिया शामिल है। तो मोबाइल फोन पर आप देखिए कि लोग हिंदी को बहुत सहजता से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लोग अपने व्हाट्सएप मैसेज पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इन सब में हिंदी का बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तकनीक ने भाषा को बढ़ाने में सहयोग दिया है। जब हम देवनागरी में लगातार फेसबुक पर और ट्विटर पर पोस्ट पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि इसके माध्यम से इस भाषा को न केवल जीवित रखा जा सकता है, बल्कि आगे भी बढ़ाया जा सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गैर हिंदी भाषी प्रांत जो है अतिरिक्त भाषा के रूप में हिंदी सीखें और हिंदी भाषी प्रांत जो है एक अतिरिक्त भाषा के रूप में क्षेत्रीय भाषा सीखें? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। देखिए, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ और केंद्रीय विद्यालय में मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमें हिंदी के अलावा तमाम अन्य दूसरी भाषाएं भी सिखाई गई, उनके लोकगीत सिखाए गए। हम मैंने बचपन में उड़िया के, तमिल के, तेलुगु के सुंदर गीतों को सीखा। और केंद्रीय विद्यालय वैसे भी चूंकि एक पूरा राष्ट्रीय स्तर का स्कूलों का उसमें पाठ्यक्रम को ध्यान रखते हुए और देश की संस्कृति को ध्यान में रखकर रचा जाता है, इतना सुंदर है। और मुझे जब हमारे संगीत की टीचर ने उड़िया के, तेलुगु के, बंगाली के, यहां तक कि कुछ सिक्किम मणिपुर के लोक गीतों के बारे में भी जानकारी दी, सिखाया, उनको कैसे गाते हैं वो भी बताया, तो उस वक्त उसका महत्व नहीं समझ में आया। लेकिन मुझे आज पता लगता है कि मैं उन भाषाओं के करीब जा पाया, संस्कृति के, संस्कारों के करीब जा पाया, इसलिए मुझे ये सब अपने देश का लगता है, मुझे बाहर का नहीं लगता। पर चूंकि हम बहुत लंबे समय तक बच्चे को एक बहुत बंद परिवेश में सिखाते पढ़ाते हैं, तो उसको लगता है ये परिवेश उसकी दुनिया है, ये परिवेश उसका देश है, ये परिवेश उसके संस्कार है, इस परिवेश से बाहर जो कुछ है वो अलग है, विदेशी है, विलायती है, आयातित है, और उसमें भी हिंदी को भी रखता है और वो सोचता है कि हिंदी पराई है, अपनी नहीं है, अलग है, इस धरती की नहीं है। और अंग्रेजी चूंकि उसको शुरू से संस्कारों में थोप कर गूंथ कर, आप देखिए सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको बताता हूं, दिक्कत यह कि जैसे अखबारों से हिंदी दूर क्यों हो रही है, हमारे आम बोलचाल से हिंदी दूर क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग हिंदी का कोई भी जो कठिन शब्द आता है उसको सीखने की कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं कि क्लिष्ट है। भाषा कभी क्लिष्ट नहीं होती, भाषा अपने आप में कभी खराब नहीं होती, भाषा कठिन नहीं होती। हम उस भाषा को सीखना पढ़ना छोड़ देते हैं तो वो हमें कठिन नजर आने लगती है। इसी के विपरीत यदि हम कोई बड़ा अखबार पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी का हिंदू पढ़ रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो, और उसमें अंग्रेजी का कोई कठिन शब्द आता है, तो हम क्या करते हैं? हम तुरंत शब्दकोश जो है अंग्रेजी का, उसकी डिक्शनरी टटोल कर उसमें से उस शब्द का अर्थ ढूंढते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारा जो शब्द ज्ञान है, हमारी वोकैबुलरी है, वो बहुत मजबूत हो गई, स्ट्रांग हो गई। तो ये जो विडंबना है कि हिंदी का तो शब्दकोश भी घरों में देखे नहीं मिलता, हिंदी के शब्दों के अर्थ जानने की हम कोशिश नहीं करते। हम मान के चलते हैं कि हिंदी जितनी स्कूल में या बचपन में सीख ली गई वही पर्याप्त है, लेकिन हम लगातार अंग्रेजी के शब्दकोश को अपने पास रखते हैं, अंग्रेजी को सीखने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये जो बड़ा एक असंतुलन है हमारी सोच में, मुझे लगता है वो भी हिंदी के इस तरह पिछड़ने के लिए जिम्मेदार है। यदि ये 32 साल बाद देश में हिंदी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, क्या इससे हिंदी को कुछ फायदा मिलने वाला है? ये मुझे लगता है सबसे अहम सवाल है। जब हम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदी के सबसे बड़े समागम विश्व हिंदी सम्मेलन के साक्षी बनने जा रहे हैं,
वो भी ऐसे समय में जब 32 साल बाद नागपुर में हुआ था और उसके बाद अब भोपाल में हो रहा है। इसके अलावा जो हर 3 साल में ये हिंदी सम्मेलन होता है, ये दुनिया के अन्य देशों में आयोजित किया जाता रहा है और इसकी कल्पना के साथ ये इसीलिए इसको विदेश मंत्रालय संचालित भी करता है, क्योंकि सोचा यह गया था कि दुनिया के दूसरे देशों में जाकर हम हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे करें, बढ़ावा कैसे दें। लेकिन मुझे लगता है कि जब अपने घर में ही हिंदी की स्थिति ठीक नहीं है, जब अपने घर में ही हम हिंदी को उतना मजबूत नहीं बना पा रहे हैं, अखबार और तमाम दूसरे जो मीडिया के माध्यम है उसमें इंग्लिश का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, तब हमें अपने घर में बैठ के तो पहले सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में हिंदी कैसे मजबूत हो। मुझे लगता है बल्कि कई बहुत सारे अनिवासी भारतीय जो कि सम्मेलन में शामिल भी होंगे और हिंदी के विद्वान दूसरे देशों में हिंदी के प्रचार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और दूसरे देश के लोगों ने और विद्वानों ने, जिसमें कि फादर कामिल बुल के एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने अंग्रेजी हिंदी का सबसे अच्छा शब्दकोश रचा, वो लोग और हिंदुस्तान के जो दूसरे शब्द ऋषि हैं अरविंद कुमार जी वगैरह, इनके काम की ख्याति विदेशों में बहुत ज्यादा है और हिंदुस्तान के कई लोगों से आप पूछेंगे कि अरविंद कुमार जी कौन है तो शायद वो नहीं जानेंगे। तो मुझे लगता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन की हिंदुस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, वो यहाँ हो रहा है। उसके साथ ही साथ वो जो हिंदी प्रदेश हम जिनको कहते हैं उनका जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है मध्य प्रदेश, उसकी राजधानी भोपाल में हो रहा है, विदेश मंत्रालय इसको आयोजित करता रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने अपने देश में सरकारी विभागों में एक राजभाषा विभाग बनाया, मुझे लगता है इस सरकारीकरण की कतई आवश्यकता नहीं है। हिंदी को लोगों के करीब ले जाने की आवश्यकता है, हिंदी को जन जन की भाषा बनाने के लिए कुछ व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। जैसे एक छोटी सी बात है कि अगर आप ATM में पैसा निकालने जाते हैं और उसमें भाषा को चुनने का विकल्प आता है तो आपको वहां हिंदी को भाषा के रूप में चुनना चाहिए, जिससे हिंदी को बढ़ावा मिले। बैंक के आप जाते हैं, आजकल सारे काम जो होते हैं कंप्यूटर के जरिए अन्य मशीनों के जरिए होते हैं, वहां हिंदी का विकल्प जब भी चुनने को मिले आप हिंदी का विकल्प चुनिए। आप कहीं जा रहे हैं, होटल में कहीं ठहर रहे हैं, तो अगर आपको अपने नाम की प्रविष्टि करनी है कहीं पर तो आप उसको हिंदी में करने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है इस तरह के व्यवहारिक प्रयत्नों से हिंदी का ज्यादा भला होगा, बजाय कि हम कोई इस तरह के अव्यवहारिक कदम उठाएं जहां पर हम कोई केवल विभाग बना दें जो हिंदी को बढ़ावा, कोई विभाग को बना देने से हिंदी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है जिसको इतना व्यापक फलक दिया गया है, प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने वाले हैं, अमिताभ बच्चन जी उसके समापन समारोह में शामिल होंगे, और एक बहुत बड़ी पहल जो इस बार सम्मेलन के आयोजकों ने की है वो ये है कि इसको केवल साहित्य तक सीमित नहीं रहा है, क्योंकि ये भी हुआ है कि अक्सर बहुत सारे सम्मेलनों में साहित्य हावी हो गया, साहित्यकार हावी हो गए और लोगों को ये लगा कि ये हिंदी साहित्य का सम्मेलन है, हिंदी भाषा का सम्मेलन नहीं है। इसको हिंदी भाषा का सम्मेलन बनाने के लिए उन लोगों को जोड़ना होगा जो रोजमर्रा में हिंदी का उपयोग करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, उन लोगों को जोड़ना होगा जो शायद किसी कारण से हिंदी से हिचकते हैं और दूर रहते हैं, उन लोगों को शामिल करना होगा जो हिंदी के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको इस तरह के मंच नहीं मिल पाए। आप हिंदी को केवल हिंदी के साहित्य तक सीमित करेंगे तो वो लोग जो हिंदी साहित्य के अलावा हिंदी का इस्तेमाल करते हैं वो लोग शायद इसमें अपना वो योगदान नहीं दे पाए जो कि बहुत उपयोगी है, बहुमूल्य है। तो मैं तो ये आशा करता हूं कि ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये हिंदी के विकास को लेकर एक मील का पत्थर साबित हो। वो जिस तरह की खबरें पिछले हिंदी सम्मेलनों से आती रही कि वो एक तफरीह का माध्यम बन गए, चुनिंदा लोगों का दल जो है उसमें शामिल हो जाता है और वो लोग आगे जाकर बाद में हिंदी के योगदान के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, इससे इतर यदि इस बार के सम्मेलन में हम कुछ ठोस प्रभावी कदम हिंदी के विकास की दिशा में उठा पाते हैं तो मुझे लगता है कि ये सम्मेलन की सार्थकता होगी। धन्यवाद जयदीप जी। वेब वार्ता में हम बात कर रहे थे हिंदी और हिंदुस्तान की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।